लखनऊ सहारागंज के सामने यातायात व्यवस्था में लगी क्रेन संचालकों का कारनामा। हजरतगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा गए युवक की उठाई गाड़ी आई है और ये देखिए ये सामने वहाँ बैठे हैं, ये यहाँ से धंधा चला रहे हैं पूरे उसका, और ये बैठे हैं सामने, ये देखिए भीगती हुई अभी ये गाड़ी लेके आई, और ये गाड़ी देखिए, और ये गाड़ी अभी इसका प्राइवेट क्रेन के कर्मचारियों के लापरवाही से नई गाड़ी टूटी। गाड़ी मालिक जब गाड़ी लेने गया उसके साथ की गई अभद्रता। गाड़ी कैसे टूटी, गाड़ी मालिक को पूछना पड़ा, महंगा गाड़ी टूटी है तो नगर निगम में शिकायत करो, प्राइवेट कर्मचारी जब ठेका प्राइवेट है तो क्यों नगर निगम को बदनाम किया जा रहा। शिकायत लेकर युवक पहुंचा एसपी ट्रैफिक कार्यालय। तानाशाही यहां कर रहे हैं ये लोग, खड़े हुए हैं सब, ये देखिए गाड़ी की अब मेरी फोटो खींच रहे हैं ताकि दिखाया जाए, ये देखिए ये सामने है, ये गाड़ी की फोटो खींच रहे हैं मेरी, जो गाड़ी मेरी तोड़ी है इन लोगों ने, ये देखिए ये गाड़ी तोड़ी गई है, पूरी गाड़ी ये तोड़ दी, नई गाड़ी, ये देखिए ये बैठे हुए हैं, ये देखिए इनकी पूरी वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो अंदर से बैठ के आदेश कर रहे हैं कि जाइए। राजधानी में प्राइवेट क्रेन संचालक हमेशा बने रहते हैं सुर्खियों में, कई अधिकारियों का प्राप्त है। यातायात व्यवस्था में लगी प्राइवेट क्रेनों को संरक्षण अधिकारियों के संरक्षण के कारण नहीं होती है कभी कोई ठोस कार्यवाही। वकार हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, ये मामला आज लगभग 3:30 बजे का है, जिस वक्त मैं हजरतगंज के बैंक ऑफ बड़ौदा गया था, वहाँ से मुझे पैसे निकालने थे, मुझे अपनी वाइफ को दिखाना था डॉक्टर के। जब मैं एटीएम से बाहर निकला तो मेरी गाड़ी जो थी वो वहाँ पे नहीं थी, तो मैंने लोगों से पूछा तो वो कहने लगे, पहले आपकी मैंने बताया मेरी लाल गाड़ी यहाँ खड़ी थी, तो कहने लगे कि आपकी गाड़ी ये लोग उठा के ले गए हैं जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं जिसको नगर निगम ने ठेका दिया है। तो जब मैंने पता करा तो मैं आगे गया, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप मेरी गाड़ी मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए आप उठा के ले गए, जो सरकारी गाइडलाइंस आई हैं कि आप 5 मिनट से पहले आप अनाउंस करेंगे उसके बाद आप गाड़ी को उठाएंगे, उससे पहले आप गाड़ी नहीं उठा सकते, तो मैंने उनको बताया तो कहने लगे मुझे ये नहीं पता, आपको 800 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। तो खैर मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं कि चलिए आप 300 रुपये तो मिनिमम फ़ाइन आपको देना है, तो मैंने उनको मिनिमम फ़ाइन 300 रुपये वहाँ पेड करा। उसके बाद जब मैं गाड़ी लेने अपनी गया तो देखा मैंने मेरी गाड़ी डैमेज, तो जब मैंने उसकी वीडियो पूरी बनाई, मैं वीडियो बना के उनके पास गया, तो मैंने कहा कि आपने मुझसे फ़ाइन भी लिया लेकिन मेरी गाड़ी भी डैमेज कर दी। तो उस पर उन्होंने मुझको जवाब दिया कि गाड़ी आपकी डैमेज नहीं है और ये गाड़ी हम लोग से डैमेज नहीं हुई है, ये आपकी गाड़ी पहले से डैमेज थी। मैंने कहा मेरी गाड़ी नई है, मेरी गाड़ी पर अभी तक नंबर भी नहीं, और मेरे पास फ़ोटो वीडियो सब कुछ था गाड़ी, जब मैंने दिखाया तो मैंने कहा या तो मेरी आप गाड़ी रिपेयर करके मुझको दिए या मेरा जो फ़ाइन है आप उसको मुझे वापस दिए। तो उस पर वो मुझसे बदतमीज़ी करने लगे, उस समय मेरी बहन भी मौजूद थी वहाँ, तो उस पर कहने लगे कि ना मैं फ़ाइन दूंगा ना मैं गाड़ी रिपेयर करूँगा, चाहे आप मुख्यमंत्री जी से फ़ोन करा दिए चाहे उप मुख्यमंत्री जी से फ़ोन करा दिए, ना आपका फ़ाइन वापस होगा ना आपकी गाड़ी रिपेयर। क्या नाम था उनका? उनका नाम नहीं मैंने, लेकिन उनका नंबर मैंने ले लिया था, वो प्राइवेट सेक्टर के थे लेकिन बहुत बदतमीज़ी, उनके साथ वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी थी, तो वो भी उसने मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ आपकी गाड़ी डैमेज है, इनको आपको या तो फ़ाइन दें या आपकी गाड़ी जो है रिपेयर करा के दें। पुलिस ने किसी प्रकार का सहयोग किया आपको? हाँ, पुलिस ने हमसे बस ये उस समय कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, पुलिस ने मुझे जब ऐसी चीज़ कही कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपका या तो गाड़ी रिपेयर हो जाए या आपका फ़ाइन वापस मिले, लेकिन उस आदमी ने पुलिस की भी नहीं सुनी, वो कहने लगा, मैं उसी समय पुलिस के सामने मेरी बहन भी मौजूद थी वहाँ, तो कहने लगा ना मैं पैसे किसी हाल में नहीं वापस दूंगा, चाहे मुझे मुख्यमंत्री जी का भी आदेश आए तो मैं पैसे वापस नहीं दूंगा।